नमस्कार, न्यूज 11 देख रहे हैं आप। मैं हूं राजदार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गढ़वा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप शाही के पक्ष में वोट करें, अपील की लोगों से। और इस मौके पर उन्होंने सरकार की योजनाओं का बखान करने के साथ साथ विपक्ष पर जमकर हमला बोला। रिपोर्ट देखें। झारखंड में बीजेपी ने 65 पार का लक्ष्य रखा है। उस आंकड़े को पाने के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने भी अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया है। उन स्टार प्रचारकों के फेहरिस्त में एक नाम आता है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो गढ़वा जिला पहुंचे, जहां उन्होंने रमना और पांडू में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बार फिर स्थिर सरकार की वकालत की। रमना के जमा दो उच्च विद्यालय के मैदान में बीजेपी प्रत्याशी भानु प्रताप शाही के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निहमला बोला। सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज यदि मैं आया हूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री भानु प्रताप शाही के लिए वोट मांगने आया। ये कांग्रेस के लोग, इन लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर रफेल को लेकर भद्दा आरोप, गंदा आरोप चस्पा करने की इन्होंने कोशिश की थी। आपने देखा बहनों भाइयों, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मौका चुनाव का था, सो सरकार की सफलता और 370 का जिक्र करना राजनाथ सिंह ने जरूरी समझा। तब इस हिंदुस्तान में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलने देंगे। और आपने देखा हमारी सरकार बनते ही बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर उसे हम लोगों ने साफ कर दिया। राज्य सहित देश स्तर की समस्या को हल करने का जिक्र सफलता के रूप में करते हुए राजनाथ सिंह द्वारा वोट की अपील तो की गई। अब बीजेपी के स्टार वार का परिणाम क्या आता है, ये 23 दिसंबर को जनादेश में पता चलेगा। आशुतोष रंजन और अविनाश, न्यूज 11 भारत, गढ़वा। पलामू के पांडू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मंच पर उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी सह सूबे के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। मौके पर राजनाथ सिंह ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। भारत के अंदर दो संविधान नहीं हो सकता, देश में एक विधान एक प्रधान होगा। उन्होंने कहा नक्सलियों का काफी हद तक सफाया किया जा चुका है, अब जो थोड़े बहुत बचे हैं उनका भी जल्द खात्मा किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार कर रही है। आप यहां से भी कोई दुनिया के दूसरे देशों में गया होगा तो उसे इस बात का एहसास हुआ होगा मेरे दोस्तों कि सारी दुनिया के नजरों में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं है। भारत के विरोध के साथ ही अपने अस्तित्व को जोड़कर वह देख गया और आतंकवाद वहां का उद्योग बन गया और दूसरे सारे उद्योग अपने आप समाप्त वहां होते चले आ रहे हैं। लेकिन आपने विगत 5 वर्षों में यह देखा होगा, कश्मीर को छोड़कर हिंदुस्तान में 5 वर्षों पर कहीं भी 5 वर्षों में कहीं भी कोई बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं होने पाई है। बहनों भाइयों, यह हमारी सरकार का